नमस्कार जी, एजुकेशन नॉलेज टी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे आप सभी। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 TGT PGT PRT सुबह सुबह आई है बोर्ड की तरफ से बड़ी खबर। एग्जाम अगर आप देने वाले हैं TGT PGT PRT के लिए तो इस वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा सभी के साथ। एसटेट से जुड़ी प्रत्येक जानकारी के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पूरी खबर से पहले देखिएगा एजुकेशनल ऐप के बारे में। डाउटनेट बच्चों, आप इसी सवाल में अटक गए हो, कोई क्वेश्चन हो नहीं रहा हो, बस आपको उस सवाल का फोटो लेना है, करो करना है, सबमिट करना है। 3 सेकंड में आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका ट्यूशन होमवर्क का हो, CBSE का हो, MP, UP, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान या किसी अन्य बोर्ड का हो, चाहे IIT JEE नीट का हो या 6ठी से 12वीं का कोई सवाल हो, इन सबका सॉल्यूशन आपको डाउटनेट ऐप पर मिलेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का हो, इन सबका भी आपको डाउटनेट ऐप पर सॉल्यूशन मिलेगा। क्लास 9वीं से 12वीं की लाइव क्लासेस चल रही हैं, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, यानी कि आप पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा विद्यार्थी इसे पढ़ाई कर रहे हैं। डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक। यहां पे देखिएगा HTET परीक्षा नकल रोकने के लिए उड़न दस्ते गठित किए गए हैं। भाई पूरी खबर यहाँ पे देखिएगा। HTET की परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन व शिक्षा विभाग के अधिकारियों के विशेष उड़न दस्ते बुधवार को गठित किए गए हैं। भाई जिसके तहत जिला उपायुक्त, SDM, जिला शिक्षा अधिकारी व हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के विशेष उड़न दस्ते गठित किए गए हैं। विभाग के द्वारा गठित उड़न दस्तों नकल रोकने के लिए समय समय पर औचक निरीक्षण करेंगे। परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी की मदद करने व लापरवाही बरतने वाले केंद्र संचालक व ड्यूटी देने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बड़ी कार्रवाई की तैयारी है इस बार हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की तरफ से। और अगर स्कूल किसी प्रकार की अभ्यर्थी की मदद करता पाया जाता है तो उसकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। जिले में पात्रता परीक्षा के लेकर 18 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से PGT PRT के 2 और 3 जनवरी को एग्जाम होने वाले हैं। 13,054 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। और यह है सिरसा से बड़ी खबर आई हुई भाई, यानी कि उड़न दस्ते बनाए गए हैं पूरे हरियाणा भर में। इस बार HTET की परीक्षा पर विशेष नज़र रहेगी शिक्षा विभाग की। सभी के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।